12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली सल्तनत का राज था। सुल्तान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। इन आक्रमण में से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मावती को पाने के लिए किया था। ये कहानी अलाउद्दीन के इतिहासकारों ने किताबों में लिखी थी ताकि वो राजपूत प्रदेशों पर आक्रमण को सिद्ध कर सके। कुछ इतिहासकार इस कहानी को गलत बताते हैं क्योंकि ये कहानी मुस्लिम सूत्रों ने राजपूत शौर्य को उत्तेजित करने के लिए लिखी गई थी। आइए इसी की पूरी कहानी आपको बताते हैं। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्वसेन और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती के पिता गंधर्वसेन सिंहल प्रांत के राजा थे। बचपन में पद्मावती के पास हीरामणि नाम का बोलता तोता हुआ करता था जिसके साथ उसमें अपना अधिकतम समय बिताया था। रानी पद्मावती बचपन से ही बहुत सुंदर थी और बड़ी होने पर उसके पिता ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में उसने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। एक छोटे प्रदेश का राजा मलखाल सिंह भी उस स्वयंवर में आया था। राजा रावल रतन सिंह भी पहले से ही अपनी एक पत्नी नागमती होने के बावजूद स्वयंवर में गया था। प्राचीन समय में राजा एक से अधिक विवाह करते थे ताकि वंश को अधिक उत्तराधिकारी मिले। राजा रावल रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हराकर पद्मावती से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वो अपनी दूसरी पत्नी पद्मावती के साथ वापस चित्तौड़ लौट गया। उस समय चित्तौड़ पर राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज था। एक अच्छे शासक और पति होने के अलावा रतन सिंह कला के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे जिनमें से राघव चेतन संगीतकार भी एक था। राघव चेतन के बारे में लोगों को ये पता नहीं था कि वो एक जादूगर भी है। वो अपनी इस पूरी प्रतिभा का उपयोग दुश्मन को मार गिराने में उपयोग करता था। एक दिन राघव चेतन का बुरी आत्माओं को बुलाने का कृत्य रंगे हाथों पकड़ा जाता है। इस बात का पता चलते ही रावल रतन सिंह ने उग्र होकर उसका मुंह काला करवा कर और गधे पर बिठा कर अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। रतन सिंह की इस कठोर सजा के कारण राघव चेतन उसका दुश्मन बन गया। अपने अपमान से नाराज होकर राघव चेतन दिल्ली चला गया जहां पर वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाने का लक्ष्य लेकर गया। दिल्ली पहुंचने पर राघव चेतन दिल्ली के पास एक जंगल में रुक गया जहां पर सुल्तान अक्सर शिकार के लिए आया करते थे। एक दिन जब उसको पता चला कि सुल्तान का शिकार दल जंगल में प्रवेश कर रहा है तो राघव चेतन ने अपनी बांसुरी से मधुर स्वर निकालना शुरू कर दिया। जब राघव चेतन की बांसुरी के मधुर स्वर सुल्तान के शिकार दल तक पहुंचे तो सभी इस विचार में पड़ गए कि इस घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा सकता है। सुल्तान ने अपनी सैनिकों को बांसुरी वादक को ढूंढ कर लाने को कहा। जब राघव चेतन को उसके सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत किया तो सुल्तान ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अपने दरबार में आने को कहा। चालाक राघव चेतन ने उसी समय राजा से पूछा कि आप मुझ जैसे साधारण संगीतकार को क्यों बुलाना चाहते हैं जबकि आपके पास कई सुंदर वस्तुएं हैं। राघव चेतन की बात ना समझते हुए खिलजी ने साफ साफ बात करने को कहा। राघव चेतन ने सुल्तान को रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान किया जिसे सुनकर खिलजी की वासना जाग उठी। अपनी राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को कहा क्योंकि उसका सपना उस सुंदरी को अपने हरम में रखना था। बेचैनी से चित्तौड़ पहुंचने के बाद अलाउद्दीन को चित्तौड़ का किला भारी रक्षण में दिखा। उस प्रसिद्ध सुंदरी पद्मावती की एक झलक पाने के लिए सुल्तान बेताब हो गया और उसने राजा रतन सिंह को ये कहकर भेजा कि रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता है और उससे मिलना चाहता है। सुल्तान की बात सुनते ही रतन सिंह ने उसके रोष से बचने और अपना राज्य बचाने के लिए उसकी बात से सहमत हो गया। रानी पद्मावती अलाउद्दीन को कांच में अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो गई। जब अलाउद्दीन को ये खबर पता चली कि रानी पद्मावती उससे मिलने को तैयार हो गई है वो अपने चुनिंदा योद्धाओं के साथ सावधानी से किले में प्रवेश कर गया। रानी पद्मावती के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसने सोच लिया कि रानी पद्मावती को अपनी बनाकर रहेगा। वापस अपने शिविर में लौटते वक्त अलाउद्दीन कुछ समय के लिए रतन सिंह के साथ चल रहा था। खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मावती को मांग करने लगा। चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेशा भेजा कि अगली सुबह पद्मावती को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह भोर होते ही 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना।
पालकिया वहां रुक गई जहां पर रतन सिंह को बंदी बना रखा था। पालकियों को देखकर रतन सिंह ने सोचा कि ये पालकिया किले से आई है और उनके साथ रानी भी यहां आई होगी। वो अपने आप को बहुत अपमानित समझने लगा। उन पालकियों में ना ही उनकी रानी और ना ही दासिया थी और अचानक से उसमें से पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़ा दिया और खिलजी के अस्तबल से घोड़े चुरा कर तेजी से घोड़ों पर किले की ओर भाग गए। गोरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले में पहुंचा दिया। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई, सुल्तान ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सुल्तान की सेना ने किले में प्रवेश करने की कड़ी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब खिलजी ने किले की घेराबंदी करने का निश्चय किया। ये घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खाद्य आपूर्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। अंत में रतन सिंह ने द्वार खुलने का आदेश दिया और उसके सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। ये सूचना सुनकर रानी पद्मावती ने सोचा कि अब सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो विकल्प थे, या तो वो जौहर के लिए प्रतिबंध हो या विजय सेना के समक्ष अपना निरादर सहे। सभी महिलाओं का पक्ष जौहर की तरफ था। एक विशाल चिता चलाई गई और रानी पद्मावती के बाद चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गई और इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े देखते रह गए। अपनी महिलाओं की मौत पर चित्तौड़ के पुरुष के पास जीवन में कुछ नहीं बचा था। चित्तौड़ के सभी पुरुषों ने साका प्रदर्शन करने का प्रण लिया, जिसमें प्रत्येक सैनिक केसरी वस्त्र और पगड़ी पहनकर दुश्मन सेना से तब तक लड़े जब तक कि वो सभी खत्म नहीं हो गए। विजय सेना ने जब किले में प्रवेश किया तो उनको राख और जली हुई हड्डियों के साथ सामना हुआ। जिन महिलाओं ने जौहर किया उनकी याद आज भी लोकगीतों में जीवित है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे नेक्स्ट वीडियो के। तो टिल देन, बाय बाय।